नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस वायलिन के इश्क भरे, रिस्क भरे, प्यारे से मोहब्बत भरे लेसन में, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का थीम म्यूजिक वायलिन पर, थ्रिलिंग थीम म्यूजिक। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेसन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, मेरे पास पसा पसा जी सी ट्यून्ड वायलिन है। ट्यूनिंग की जानकारी नहीं, इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जाइए पहले वाले लेसन्स देखिए, बहुत सारे बांसुरी के भी लेसन्स हैं वो भी सीख लीजिए, कवर्स भी देखिए, सीखने को ही तो मिलेगा, संगीत तो एक ही है। दोस्तों, मैंने एक माइनर स्केल वाला लेसन अपलोड किया था वायोलिन पर, जिन स्टूडेंट्स ने उसे देख रखा होगा वो ये लेसन आसानी से समझ पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं तो पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो फिर यहाँ पर आओ। एक और बात, बार-बार बहुत बात बोल रहा हूँ पर काम की बात है। मेरा जो फ्लूट कवर आया था इस पे, उसका आप सबके प्यार से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि 1 महीने में 2 लाख से ऊपर व्यूज़ निकल गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं व्यूज़, तो उसको ज़रूर देखना क्योंकि उससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा क्या धुन है मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, तो उसका आपको अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखना। देख लिया है तो वापस देख लेना यार, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, ऊपर लिंक है, ठीक है, लिंक पे क्लिक करो कि आ जाएगा और इस लेसन के लास्ट में भी लिंक आएगा। चलो अब लेसन पे आ रहे हैं, स्टार्ट करना है म से। मा प ध प म ग सा, अभी ध कोमल है ग कोमल है, ठीक है। मा प ध प म ग सा, दो बार क्लिक करना है, फिर रे म ग रे सा, रे म ग रे सा। अब चाहो तो इन दोनों फ्रेजेस को पूरी बो के साथ प्ले कर सकते हो, कैसे देखो। अब मैंने वो स्टार्टिंग में क्या किया, जो स्पीड से किया, मैंने उस म को ग से लिया, कैसे, गमा गमा गमा, ठीक है, गमा प ध प म ग सा, और वो शुद्ध ग से लिया फटाफट से, तो टाइमिंग देख लेना है, ठीक है। उसके बाद रे म ग रे सा, पूरी बो के साथ, ये क्या किया मैंने, देखो रे को मैंने हल्का सा ऐसे लिया स्लाइड में, तो वो एक सैक्सोफोन वाला इफेक्ट आया ना, पर शर्त यह है कि फिर आप जो जहां पे रुकोगे वो सही स्वर होना चाहिए, तो पहले सही स्वर का प्रैक्टिस करना फिर ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी मेन जो उसका वो खास धुन है वो क्या है, तो देखो ध्यान से, ये क्लोज्ड सा है, प कोमल ध कोमल नी और ये सा, ठीक है, क्लोज्ड सा, फिर ये शुद्ध नी और ये कोमल नी, ऐसे तीन फिंगर को चिपका के बजाना है। देखो वापस, प ध कोमल ध और ये सा, क्लोज्ड सा, ठीक है, ऐसे कर रखा है मैंने। इस तार का और इस तार का आवाज सेम आना चाहिए, अगर आपने सभी तार जो है सही तरीके से ट्यून कर रखे तो इस तार का आवाज और ये जो दबाओगे आप वो सेम आवाज आएगा। अरे वो सुनो, वो करके बताता हूं मैं, निकल रहा है ना सेम आवाज, और हल्का सा भी ऊपर नीचे करूंगा तो आवाज डिफरेंट आएगा, मतलब आप गलत प्ले कर रहे हो, बदल गया आवाज, ठीक है, तो सेम आवाज निकलना चाहिए। अभी
इससे सा बजाएंगे, फिर ये शुद्ध नी, फिर कोमल नी, ऐसे फिंगर रखना है अभी। सा सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा रे गे रे सा रे ता रा 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 रा। वापस देखते हैं। सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा रे गे रे सा रे सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा नी सा नी 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 सा नी सा नी सा नी 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 सा नी पा मा नी पा मा ग। ये धुन है रेफरेंस के लिए जो बजाया था ना मैंने, उसको देख लेना ठीक है। अभी वायलिन पे कैसे बजेगा, वो कैसे रखना है देख लो, कैसे कैसे रख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है अभी कंटिन्यूस बो के साथ। दोनों मिक्स करके भी प्ले कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन सा अच्छा लग रहा है ठीक है। और अगर मैं खुद भी इसको बहुत प्रैक्टिस करूं, अभी क्या सर्दी बहुत है यहाँ पे, आज 4 डिग्री हो गया है और मैं हीरो बन के आपके सामने बैठा हूँ बिना जैकेट के, मेरे को ठंड लग रही है तो मेरे हाथ काम नहीं कर पा रहे, गर्म करने पड़ेंगे हाथ को ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। और एक बहुत प्यारी चीज़ मुझे अनबॉक्सिंग करनी है वायलिन के स्टूडेंट्स के लिए भी, तो उसका अनबॉक्सिंग मैं कल लेके आ रहा हूँ नए साल पे ठीक है। और अच्छी से प्रैक्टिस करना, अच्छा अच्छा बन के रहना, अपने घर पे सभी से बड़े अच्छे शब्दों में बात करना, किसी का दिल मत दुखाना। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, देखो मैं क्या क्या दिन भर क्या क्या हरकतें करते रहता हूँ मेरे घर में ठीक है। मुझसे जुड़ो, जितना हो सके शेयर करना, मेरा साथ देना, क्योंकि आपका साथ ही मेरा साहस है। तो मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, जय भारत और जय हिंद।